गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की ओर से कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले नवोदित एवं वरिष्ठ पत्रकार कलाकारों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें फिल्म स्टार एवं हास्य कलाकार राजपाल यादव ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदान किया। इस दौरान राजपाल यादव ने कहा कि जीवन ने बहुत कुछ सिखाया है, मैं कभी कॉमेडी नहीं करना चाहता था, मेरा मकसद है अपनी कला के माध्यम से देश या समाज की सेवा करना। उन्होंने कहा कि यहाँ लोगों का प्यार देखकर बहुत अच्छा लगा, जीवन दर्शन है, इसे जीना सीखना होगा। इससे पहले राजपाल यादव ने बाबा गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। सिविल लाइंस में आयोजित कार्यक्रम में रंगमंच के कलाकारों समेत कई लोगों को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश की धरती से जन्मे श्री राजपाल यादव जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के लोकप्रिय विधायक, हमेशा सरल और सहज सुलभता के साथ सबके बीच में रहने वाले श्री विपिन सिंह जी, मंजा सिंह हम लोगों के बड़े भाई, दैनिक जागरण के पूर्व संपादक और गोरखपुर की नब्ज को जानने वाले, गोरखपुर को बिगड़ते बंदे देखने वाले श्री सुजीत पांडे जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधायक विपिन सिंह ने कहा कि राजपाल यादव के अंदर कोई बनावट नहीं है, गोरखपुर में इनके लाखों चाहने वाले हैं। इस अवसर पर प्रेस क्लब अध्यक्ष मार्कंडे मणि त्रिपाठी, उपाध्यक्ष कुंदन उपाध्याय, कोषाध्यक्ष विनय शर्मा, पूर्व महामंत्री मनोज यादव, पूर्व कोषाध्यक्ष जगदम्बा तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ पत्रकार और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए फिल्म स्टार एवं हास्य कलाकार राजपाल यादव ने बताया। अरे सम्मान समारोह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, विपिन साहब आए और हमारे सुजीत पांडे जी से लेख के और हमारे मार्कंडे साहब जो प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं और पूरे गोरखपुर के हमारे सब सीनियर जूनियर पत्रकार बंधु आए, सबका हृदय से स्वागत और सबका जो है आभार करना चाहूँगा कि आपने एक अभिनेता को इस तरीके का प्यार दिया। और बस यही कह सकता हूँ कि आज गोरखनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, पूरे गोरखपुर में घूमने का सौभाग्य मिला और एक सम्मान समारोह में जैसा कि बड़े दिल से विपिन भाई ने बोला कि राजपाल दो चार फिल्में आप बनाइए, तो दो चार छः हो गए, कोशिश करूँगा कि अगले दो चार साल में छः फिल्में पूरी करके दूँगा। और बड़ी बड़ी सोनी भूमि इतना सही हो चुका, क्योंकि जैसे हम भोपाल का की झील देखते हैं, आज गोरखपुर का जब तालाब आप देखते हो तो आई थिंक इतना सुंदर तरीके से सजाया हुआ तालाब, और बोलते हैं जिस शहर में पानी बहुत स्वच्छ होता है, जिस शहर का तालाब बहुत स्वच्छ होता है वो शहर बहुत स्वच्छ होता है, हवा बहुत स्वच्छ होती है। बहुत बहुत बधाइयाँ। और गोरखपुर अपने आप में एक बहुत ही साहित्यकारों का, पत्रकारों का, और जहाँ पे बोलते हैं गीता प्रेस गोरखपुर, जिससे जहाँ से किताबें पढ़ने का सौभाग्य मिला हो, तो गोरखपुर के बारे में अगर एक आध घंटा भी बोलो तो कम है। बहुत अच्छा लगा। और गोरखपुर हमारा आना जाना 92 से है, लेकिन कभी थिएटर रंगकर्मी के रूप में, कभी जो है श्रद्धालु के रूप में, और आज जो है वो एक आपके भाई के रूप में उपस्थित होने का मौका मिला। सबका बहुत बहुत, मार्कंडे जी का सबका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का धन्यवाद, जिसने पानी पिलाने से लेके पानी देने तक या सुरक्षा से लेके जितने सिक्योरिटी तक, जो नाश्ता करवाने वाले, पुलिस विभाग, प्रशासनिक विभाग, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत बहुत बदला है और अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब सफाई तो इतनी अच्छी और लगातार निर्माण हो रहा है, चार गोरखपुर रोटी की तरह फैल रहा है। बहुत ही शुभकामनाएं, क्योंकि गोरखपुर हमारी जन्मभूमि है, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश हमारी जन्मभूमि है, महाराष्ट्र हमारी कर्म भूमि है, तो बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश तो हमारी माँ है, उसकी एक एक इंच का जो भी अच्छा होगा हृदय से हमें खुशी होगी। धन्यवाद।